आज एक और हमें बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा कि जी वायरल सेंसेशन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन ख्वातीनो हजरात, इनका नाम सुन के आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। ऑल द वे फ्रॉम लंदन आ रहे हैं, पीएचडी इन्होंने डबल किया हुआ है म्यूजिकोलॉजी में एक घंटे के अंदर। प्लीज वेलकम ऑल द वे फ्रॉम लंदन चाहत फतेह अली खान। चाहत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बट सर, बिल्कुल साफ आ रही है जी बट सर आवाज। जी चाहत साहब, कैसे हैं आप? वाह 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 वाह, सर बप्पी लहरी के बाप लग रहे हैं अभी आप, ये आपने बड़ा मजेदार गेटअप किया हुआ है। एक जफी लहरी हो जाए। जफी लहरी लोग आगे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इन्होंने पीछे से करवाया। चाहत साहब वेलकम टू द शो। नताशा और आप आज हमारे साथ खेलेंगे, थ्रू आउट शो में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो चाहत साहब मुझे बताएं कि क्रिकेट का आपको कितना शौक है? सबसे पहले तो मैं आपका और असद साहब का और आपकी पूरी टीम का और समा चैनल की पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, अस्सलाम वालेकुम। जाली डॉलर पे आपकी फोटो आ जानी। अच्छा, ये बोलते भी अपने गाने की तरह ही? हाँ जी बिल्कुल, तोड़ तोड़ के। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा स्टाइल है बोलने का, जैसे मरीज बातें नहीं करता। बेहतर अब मैं सोने लगाऊं, जाओ। अच्छा चाहत साहब, आपसे सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है कि पीएसएल का एंथम की सुपारी किसने आपको दी थी? ये आप कहां से आपने सोचा कि पीएसएल का एंथम मैं गाऊं? अच्छा, मैं जवाब देने से पहले आपके जितने भी मेहमान आए हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, जो भी बैठे हैं स्टूडियो में। और जी सात महीने पहले मेरे जहन में आया कि मैं जी लिखना शुरू हो गया हूँ, सदका भी रहा हूँ, कंपोजिशन भी कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट इस दफा पीएसएल के लिए कुछ लिखा जाए। तो मैंने चार महीने पहले लिखना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो लेकिन फिर अल्लाह ख्याल रखे मुकम्मल हो गया। फिर माशाल्लाह मैंने जो आखिरी मेरा जिम लेना था कंपोजिशन की, फिर बार बार गाया। ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है। वायरल इस तरह हुआ कि वो तो लग रहा था कि फेसबुक वाले आपके सांडू है कोई। खुद बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वर्ल्ड कप के गाने की आपको किसी ने साही दे दी है? अभी से टारगेट कर लिया कि आपने वर्ल्ड कप का वो गाना करना है? पहले मुझे पहले जब क्वेश्चन किया उसका आंसर देने दें, तो बट सर मैंने पिछले 6 महीने में 6 गाने कर लिए थे माशाल्लाह, और 6 महीने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जी गए। लेकिन ये जो पीएसएल, ये जो अपना प्यारा पीएसएल है, ये माशाल्लाह मिलियंस में चला गया, हिट हो गया। अभी तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं लिखना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, पीएसएल वालों की आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। आप फ्यूचर में आपका नाम हो रहा है चाहत रहमान कमर। और आपको पता है ये वाले गाने का आमद भी इनको उधर हुआ था बाथरूम में। कहाँ? ओ यार, अच्छा यार उधर पानी नहीं आ रहा था, इनको 10 मिनट ज्यादा लग गए, उधर आमद हो गया। पीएम प्राइम मिनिस्टर आपसे डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता है। अच्छा एक अर्ज सी जनाब, वडे पाइन भी लंदन ने, तुसी भी लंदन हो, जाके उन्होंने गाना सुनाओ, शायद वापस आ जाए। ऐसे बहाने वापस आ गए, आए नहीं रहे। आपका गाना सुन लेके चलो भी उठो चले। नताशा, आपने चाहत साहब का गाना सुना हुआ है? नहीं। अच्छा, तो फिर सच्चाई गाना साहब, चाहत साहब मैं टाइम आपका जरा, क्योंकि छोटा जरा मुझे गाना चाहिए। नताशा हमारे साथ आई हुई है, नताशा अली बहुत बड़ी हमारी अदाकारा भी है, आपने इनकी खूबसूरती पे 2 लाइनें जरा कह दें प्लीज फौरन। अच्छा जी, नताशा की खूबसूरती पे, नताशा की खूबसूरती पे मैं कह देता हूं, सवा महीने दी नताशा, सवा महीने दी दुनिया इत्थे, सवा महीने दी दुनिया इत्थे, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा। ठीक है, चाहत साहब क्या बात है आपकी, क्या बात है। एक गाना फ्लॉप हो गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी जी, एक और जी गाना आ रहा है, ठीक है जी, पंजाबी इसका। एक मिनट रोक के रखिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी काफी लंबा शो है, हम लोगों ने नताशा के साथ गेम भी खेल लिया है,